ठंडी की सीजन शुरू हो गई है और मार्केट में एकदम फ्रेश और कलरफुल सब्जियां मिलने लगी हैं, तो हमें इस सीजन में सब्जियों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो आज हम एकदम सिंपल तरीके से टेस्टी वेजिटेबल स्टर फ्राई बनाएंगे। तो इसके लिए हमने वेजिटेबल्स में 6-7 ब्रोकली का फूल लिया है, इसके बदले में आप फूल गोभी भी ले सकते हैं। 3 बेबी कॉर्न को डायगनली कट करके लिया है। 10-12 ग्रीन बीन्स से इसे हमने लंबा काट के लिया है। 1 मीडियम साइज का गाजर, इसे भी ट्रायंगल में कट करके लिया है। 1 मीडियम साइज का ग्रीन शिमला मिर्च का डाइस करके लिया है। 1/2 येलो कलर का शिमला मिर्च का डाइस है और 1/2 रेड कलर का शिमला मिर्च का डाइस है। 1 छोटा सा पत्ता गोभी का 1/2 भाग हमने डाइस करके लिया है। 3 हरा प्याज के पत्ते को इस तरह से लंबा काट के लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज का डाइस किया है। तो पहले हम इन सब्जियों को ब्लांच कर लेंगे। इसमें ब्रोकली, बेबी कॉर्न, ग्रीन बीन्स, फंसी और गाजर, इसको हम 2 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। अगर आपको ये कच्चा इस्तेमाल करना है तो आप कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 मिनट ब्लांच करके लूँगी। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, ब्रोकली डाल देंगे, बेबी कॉर्न, बीन्स डालेंगे, गाजर भी डाल देंगे। इन सब्जियों को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में बॉईल करेंगे, इसे ब्लांच करना कहते हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए। ये 2 मिनट हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। मैंने एक बाउल में बर्फ का एकदम ठंडा पानी लिया है, सब्जी को हम इसी के अंदर डाल देंगे तो सब्जियों का कलर हरा ही रहेगा। इस तरह से निकाल के हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं ठंडे पानी में डालने से सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है। इन सब्जी को मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि सारा पानी निकल जाए। 1 टेबलस्पून तेल को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। तेल को हम लाइटली रोस्ट करेंगे, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक। ये हो गया है, इसे निकाल लेंगे। अभी वेजिटेबल को स्टर फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने तिल का तेल लिया है, 1 टेबलस्पून तिल का तेल डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप लहसुन है, ये डाल देंगे। आधी टेबलस्पून बारीक चॉप अदरक, 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके लिया है। धीमी आंच पे लाइटली रोस्ट करेंगे। प्याज का डाइस है, ये डाल देंगे। इसे हम धीमी आंच पे ही थोड़ी देर सौते कर लेंगे। आंच हम तेज रखेंगे तो अदरक और लहसुन जल जाएगा, इसके लिए इसे धीमी आंच पे ही थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज को हमने 30 सेकंड के लिए भूना है और इसमें 3 कलर की शिमला मिर्च और पत्ता गोभी हमने डाइस किया है, ये डाल देंगे। तेज आंच करके इसे 1 मिनट सौते कर लेंगे। एक मिनट इसे सौते कर लिया है। अभी हमने जो ब्लांच किया था वो सब्जी डाल देंगे। पानी सारा अंदर से निकाल लेना है, उसके बाद डालना है सब्जी को। इसे भी हम तेज आंच पे 1 मिनट सौते कर लेंगे। आधे टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे, व्हाइट मिर्ची पाउडर, इसके बदले में आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं।
आधी टीस्पून नमक मैं और डाल रही हूँ। एक टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, आपके पास अगर रेड चिली सॉस हो तो वो भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून विनेगर, इसके बदले में आप नींबू का रस डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। हरा प्याज के पत्ते डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। वेजिटेबल स्टर फ्राई रेडी है। हमने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हमने तेल जो भुना था इसके ऊपर हम डाल देंगे। वेजिटेबल स्टर फ्राई रेडी है।